धुपका लेके दिनों में जनरली लोग धनिया, जीरा पाउडर, मसाले बना के रखते हैं और ये दिन अच्छे भी रहते हैं। जैसे इन दिनों में सब्जी अच्छी बनती है, जीरा और धनिये के पौधे निकलते हैं, तो इन दिनों में ये सस्ते में मिलता है। तो हो सके तो दिसंबर जनवरी में आप जीरा और धनिया पाउडर साल भर के लिए बना के रखिए। तो इसके लिए मैंने ये जीरा लिया है, 50 ग्राम मैंने जीरा लिया है और 100 ग्राम मैंने धनिया लिया है। ये जीरा मुझे 30 रुपये में पड़ा है 50 ग्राम और ये धनिया मुझे 100 ग्राम 30 रुपये में पड़ा है। सबसे पहले हम इसे भून लेंगे। सबसे पहले मैं धनिया डाल रही हूँ। धनिये को मैं गैस पे भून लूँगी। जब आप चपाती बनाते हैं, चपाती बनाने के बाद जो तवा गर्म रहता है उस पर ही आप धनिये को फ्राई कर लीजिए। धनिया ठंडी के दिनों में अच्छा बनता है, ज़्यादा मात्रा में बनता है। जैसे दिसंबर जनवरी में धनिया हमें सस्ते में मिल जाता है, तो ज़्यादा उगता है इसलिए वो सस्ते में मिलता है। तो उसी दिनों में आप इसे बाज़ार से लाइए और इसे भून के इसका साल भर के लिए पाउडर बना के रख दीजिए। ये देखिए, धनिये को मैंने 5 से 7 मिनट तक इसको भून लिया है। ये भून के अभी हम इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। धनिये को बहुत गरम गरम मिक्सर में नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर गरम हम डाल देंगे तो मिक्सर में भूनने के लिए भी हमें तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि उसका पॉट जो है वो गरम हो जाता है। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए अभी ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे मिक्सर से निकाल लेंगे। तो ये देखिए, मेरा धनिया भून गया है। अभी उसी में मैं जीरा भून रही हूँ। जीरा और धनिये का मसाले के लिए सिर्फ उपयोग नहीं होता है, ये हमारे शरीर के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। जैसे जीरा पाउडर में आयरन रहता है, ये अस्थमा के लिए अच्छा रहता है। जिनको एनीमिया की तकलीफ़ रहती है उनके लिए जीरा बहुत अच्छा रहता है। महिलाओं के मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी जीरा बहुत हेल्प करता है। कैंसर रहो या स्किन डिसीज़ रहो, इन सब में जीरे के फ़ायदे होते हैं। उसी तरह से धनिये का भी फ़ायदे बहुत है। हेयर के लिए धनिया बहुत अच्छा रहता है। एंटीबायोटिक है ये, इससे पिंपल्स कम आते हैं। ये एंटी डायबिटिक भी है, इससे भी एनीमिया के लिए उपयोग होता है। तो ये हम जो मसाले समझते हैं, ये मसाले न होके इनमें एक आयुर्वेदिक गुण रहता है, इसलिए भारत में इन सब चीज़ों का इस्तेमाल खाने में किया जाता है। तो देखिए, थोड़ी देर में 5 से 10 मिनट में ये मेरा जीरा भी भून के रेडी हो गया है। जब तवा गर्म रहता है चपाती बनाने के बाद, तब आप इसे बना सकते हैं। ये जीरा भुन के रेडी है। अभी हम बारी बारी धनिया और जीरा मिक्सर से निकाल लेंगे। तो देखिए, ये जीरा और धनिया मैंने ठंडा कर लिया है। अभी हम इसे मिक्सर से निकाल लेंगे। सबसे पहले हमने ये पॉट लिया है, बड़ा पॉट लीजिए जिसमें एक ही बार में पूरा जीरा या धनिया निकल जाए। और मैंने अभी ये पॉट में डाल दिया है मिक्सर की। अभी ये मिक्सर से मैं घुमा लूँगी। देखिए ये कितना फाइन पाउडर हो गया है, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ये पाउडर बहुत ही अच्छा हो गया है और हम इसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। जो चाहे तो आप इसे एक छन्नी से छान के भी यूज़ कर सकते हैं, पर मुझे उसकी ज़रूरत नहीं लगती है इसलिए मैं इसे नहीं छान रही हूँ। और इस तरह से ये हमारा धनिया पाउडर बनके रेडी है। देखिए आपने, ये कितना इजी है बनाने के लिए। उसी तरह से हम इसको निकाल लेंगे। उसी पॉट में हम जीरे को मिक्सर से निकाल लेंगे। ये देखिए, हमारा धनिया पाउडर बन के रेडी है। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। इस तरह से हमारा धनिया पाउडर बनके रेडी हो गया है। अभी उसी पॉट में हम जीरो को भी मिक्सर से निकाल लेंगे। ये देखिए, जीरा ठंडा हो गया है। इसको मिक्सर में डाल देंगे और इसको मिक्सर से निकाल लेंगे। जिस पॉट में हमने जीरा बारीक किया था उसमें डाला तो भी चलेगा। कोई कोई लोग जीरा और धनिया मिक्स भी कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने जीरा का भी पाउडर बना लिया है। आप चाहे तो इसे छन्नी से भी छान सकते हैं। देखिए, बाहर के जीरे में और घर के जीरे के पाउडर में एक फ़र्क होता है। घर का जीरा पाउडर ये डार्क दिखता है और बाहर का जीरे पाउडर में थोड़ा सा लकड़ी का भूसा रहता है, इसलिए वो थोड़ा सा लाइट दिखता है। तो देखिए, जीरा और धनिया पाउडर बनके रेडी हो गया है। आप ये धुपकाले के दिनों में काफ़ी बना के रख दीजिए। ये साल भर टिकता है और इसका खुशबू भी बहुत अच्छा आता है। एक एयर टाइट
डब्बे में इसको आप भर के रख दीजिए और साल भर इसका इस्तेमाल करिए बाहर। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये मेरी जीरा और धनिया की रेसिपी कैसी लगी और इसके बेनिफिट कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मेरी और भी रेसिपी देखने के लिए स्क्रीन पे दी हुई लिंक पे क्लिक करें।